भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। राम काज कीन्हे बिनु मोहे कहां विश्राम। फाइनल डेट आ चुकी है, पीएम ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तैयारियां लगभग पूरी हैं। अगली 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। यूं तो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की शुरुआत 16 जनवरी से ही हो जाएगी, मगर 22 जनवरी को पीएम मोदी खुद अपने हाथों से विग्रह की स्थापना करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश के 5 लाख लोग शामिल होंगे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में खुशी की लहर है। आखिर वो पल आ गया है जिसका इंतजार देश के हर नागरिक को 500 सालों से था। 500 साल के वनवास के बाद रामलला फिर से अपने स्थान पर विराजेंगे। रामलला को लेकर आई इस खुशखबरी से अयोध्या के मुस्लिम मोहल्लों में भी खुशी का माहौल है। अयोध्या के मुस्लिम भी मान रहे हैं कि राम मंदिर के बन जाने से अब अयोध्या विकास की रेस में और तेजी से दौड़ेगी। और जब विकास होगा तभी लोगों को सही लाभ मिलेगा जी। और ये अच्छी चीज़ है, ये जन्मभूमि का जो झगड़ा था बाबरी मस्जिद का, ये समाप्त हो गया, बहुत अच्छी बात है। इससे सवाई नुकसान के कोई फायदा नहीं, ना हुआ है ना होना है जी। और कहीं भी झगड़ा अगर आप रहोगे तो झगड़े से कुछ मिलता नहीं है, लिहाजा ये झगड़ा समाप्त हो गया। और अयोध्या के नाम पर ही, राम जन्मभूमि के नाम में ही अगर विकास हो रहा है तो वो खाली राम जन्मभूमि से जुड़े हुए मान लिए एक समुदाय का ही खाली, उससे उसको लाभ नहीं मिलेगा। ये राम मंदिर भले उसमें हिंदू की आस्था हो या हिंदू उसको मानता हो, तो जो विकास हो रहा है वो खाली हिंदुओं के लिए हो रहा है या हिंदुओं को ही लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर समुदाय के लोगों में जो यहाँ राम अयोध्या में रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको उसका लाभ मिलेगा। राम मंदिर में स्थापित की जाने वाली रामलला की मूर्ति तैयार हो चुकी है। 3 अलग अलग मूर्तिकारों से रामलला के 3 विग्रह बनवाए गए हैं। तीनों में फिनिशिंग और सजावट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 15 नवंबर तक रामलला का सबसे सुंदर विग्रह तैयार हो जाएगा। इनमें जो सबसे दिव्य विग्रह होगा उसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। राम मंदिर के भूतल और प्रथम तल का निर्माण कार्य भी दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। दीपावली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ जाने से लोगों का उत्साह दोगुना हो गया है। उस पर पीएम के अयोध्या आने की खुशखबरी से यहां के व्यक्ति, आखिर जो कारोबार इनका है कैसे चल रहा है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंदन। चंदन भाई ये बताइए कि जो कारोबार ये चल रहा है फूलों का, ये अभी कैसा चल रहा है? अभी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में भी और अभी अच्छा चलेगा। अच्छा, आपको उम्मीद है कि और बेहतर होगा? और बेहतर। क्या वजह मानते हैं इसका? ये मंदिर जो है, मंदिर बन रहा है इसलिए आपको लगता है कि और... मंदिर बन रहा है श्री राम जी का, इसीलिए। तो आपको लगता है कि इससे कारोबार आपका और बढ़ जाएगा? जी बढ़ेगा मेरा कारोबार। 22 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, कहा जा रहा है कि पूरा अयोध्या बदल जाएगा, विकास हो रहा है, तो उससे असर पड़ेगा? आपको खुशी है? आपको पीएम आ रहे हैं? हमको बहुत खुशी है उनके, प्रधानमंत्री जी के आने से। आने से खुशी है? जो रोजगार करते हैं उनके जीवन पढ़ने वाला है? हाँ पढ़ने वाला है, 100% पढ़ने वाला है। बट ये है कि उनके ऊपर यहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटी आनी चाहिए, यहाँ पे फिर ऐसे कॉलेज आने चाहिए कि लोग पढ़ सकें अच्छे से। जो बाहर जाते हैं ये सोच के यहाँ पे पढ़ाई नहीं है, गवर्नमेंट की यहाँ की पढ़ाई इस समय काफ़ी डाउन है, इसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटी बने। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। ये अयोध्या में अपनी म्यूजिकल शॉप चलाते हैं, ये उनका पुश्तैनी धंधा है। अयोध्या में पीएम मोदी के दौरे से पहले अयोध्या के व्यापारी खलीकुर रहमान का कहना है कि अयोध्या में जब मंदिर नहीं था तो उनकी दुकान कुछ खास नहीं चलती थी, मगर मंदिर का काम शुरू होने के बाद अब उनके कारोबार में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ खलीकुर रहमान पीएम मोदी के अयोध्या आने की खबर सुनने के बाद काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। विकास का सीधा रिश्ता कारोबार से है, विकास होगा तो कारोबार बढ़ेगा और कारोबार बढ़ेगा तो ही विकास होगा। इस वक्त जिस दुकान में खड़े हैं हम, उसका नाम अयोध्या म्यूजिकल सेंटर है और ये खलीकुर रहमान साहब की दुकान है।
कलिकु रमान साहब, हम जानना चाहेंगे कि पहले आपने जो दुकान का नाम रखा है अयोध्या के नाम से रखा हुआ है, क्या वजह है इसके पीछे? सर, इसके हम लोगों की कामयाबी के लिए किया है कि अयोध्या की वजह से हम लोगों नाम दुकानदारी बहुत अच्छी चलेगी सर। अयोध्या की वजह से आपकी दुकानदारी चल रही है, मंदिर की वजह से चल रही है? बहुत अच्छी चलेगी सर। और जो योगी जी हमारे कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, उसके वजह से हम लोगों का विकास बढ़ेगा आगे। अच्छा जी, 22 तारीख को तो प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, खुशी है, स्वागत करेंगे। बहुत खुशी है, बहुत स्वागत उनका। मोदी अयोध्या आ रहे हैं तो जाहिर है प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी अयोध्या को फूलों से सजाया जाएगा। जिस रास्ते से मोदी गुजरेंगे उसमें अलग अलग तरह के फूल लगाए जाएंगे, साथ ही राम मंदिर को सजाने के लिए भी फूलों का इस्तेमाल किया जाएगा। अयोध्या में फूल की दुकान लगाने वाले मुस्लिम व्यापारियों का कहना है इससे आने वाले दिनों में उनकी बिक्री बढ़ेगी। 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मंदिर जो है उस प्राण प्रतिष्ठा होगी, आपको लगता है कि आपका व्यवसाय बढ़ेगा घटेगा, क्या उम्मीद लगता है आपको? बढ़ सकता है। तो खुशी इस बात की है कि व्यवसाय बढ़ेगा? बढ़ेगा जरूर। हाँ, बढ़ेगा जरूर। खुशी है इस बात की प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं? खुशी है, खुशी है। ये कह रहे हैं कि खुशी है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर, चूंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और पीएम खुद यहाँ पहुँचेंगे। मोदी के अयोध्या दौरे से पहले सीएम योगी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की है। सीएम योगी ने खुद अयोध्या पहुंचकर यहां चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। अयोध्या वासियों के लिए पीएम मोदी ने जो सपना देखा है, सीएम योगी उस सपने को अपना मिशन मान चुके हैं। शायद यही वजह है कि सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या के विकास का रोड मैप तैयार है, जिसका फायदा सीधा यहाँ रहने वाले लोगों को मिलने वाला है। हम लोग कारोबार बढ़ गया, इतने ही में भी जब आएंगे इसके बाद तो और जो है बढ़ेगा। तो स्वागत करेंगे फिर तो आप लोग? काहे नहीं, हम लोग रहेंगे। हाँ। जी हाँ। तो खुशी है इस बात की कि पीएम आ रहे हैं? बहुत खुशी है, और इतने ही में हम लोग का कारोबार बढ़ गया, अभी जब उद्घाटन हो जाएगा उसके बाद तो और कारोबार बढ़ेगा, क्योंकि ग्लोबल सिटी बनने जा रहा है अयोध्या, देश दुनिया से लोग आएंगे तो भी कारोबार बढ़ेगा आपका। जी हाँ, कारोबार बढ़ गया, लोग आ रहे हैं देखने को, उससे अभी से। हाँ।